मलहौसी औरैया के सराफा व्यवसायी की दुकान से हुई चोरी का बेला पुलिस ने किया पर्दाफाश। बेला थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार भारद्वाज व सर्विलांस टीम को मिली सफलता। पुलिस अधीक्षक ने थपथपाई पीठ व दिया 25,000 रुपए का इनाम। घटना में लिप्त 3 शातिर चोरों को पुलिस ने चोरी के माल व तमंचा सहित दबोचा। घटना के संबंध में सुने पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम द्वारा दी गई जानकारी। वह घटना कैसे हुई, कैसे पुलिस ने की गिरफ्तारी। ये 28/29 की रात्रि में ग्राम मलहौसी थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत गोपाल सोनी पुत्र श्री कैलाश चंद सोनी इनके घर में एक जो ज्वेलर्स की दुकान है उस पर चोरी हुई थी, जिसमें ना अभियोग पंजीकृत किया गया था 21/24/384 का। इसमें घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई थी। अभियुक्त को चिन्हित करके मुंबई मामूल किए गए थे। सूचना मिली थी कि आज सुबह ये अभियुक्त जो सामान इन्होंने चोरी किया था उसको बेचने के लिए जा रहे हैं, तो पटना नहर पुल ये के पास से ये बेला सहार रोड पे इनको आज सुबह 10 बजे घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़ के पूछताछ की गई और जामा तलाशी में 3 अभियुक्त जगत सिंह और सुनील दोहरे ये अनैसा थाना बेला का रहने वाला है, अशोक कुमार पुत्र छुन्नू दोहरे और जितेंद्र कुमार पुत्र वर्गीय करण सिंह दोहरे ये सभी अनैसा बेला के रहने वाले हैं। इन सभी ने घटना करने को बोली है। इनके पास से सभी सामान बरामद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जगत सिंह के पास 1 315 बोर का तमंचा और 1 कारतूस मिला है, और जो बाइक जिससे उन्होंने घटना की है काली स्प्लेंडर है जो अशोक ने किसी से खरीदी है। घटना के त्वरित एवं सफल अनावरण के लिए घटना का अनावरण करने वाली टीम को 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जाएगा।